और दोस्तों हम लोग सोच रहे थे कि साल का एंड हो रहा है, कोई इतनी अग्रेसिव डिवाइस नहीं आएगी, तो फाइनली रियलमी इज गोइंग टू लॉन्च रियलमी 13 प्लस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है, क्या चाल दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीदें कुछ ऐसी थी कि ये साल जो है ना वो थोड़ा पीका पीका सा मिड अपर रेंज के अंदर जाएगा, बट भाई रियलमी एंट्री कर रहा है रियलमी 13 प्लस। और अनबॉक्सिंग जरा ना लॉन्च इवेंट से पहले रिकॉर्ड हो रही है, प्राइस अभी इन्होंने मुझे कंफर्म नहीं की, बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 90,000 रुपए के अराउंड रिटेल प्राइस होगी, डिस्काउंट भी ऑफलाइन मार्केट मिलेगा। बट भाई रियलमी ये क्लेम कर रहा है कि अंडर 100K राइट नाउ अगर हम देखते हैं मार्केट सिचुएशन को, दिस वन इज पावरफुल गेमिंग वाला फोन, पावरफुल कैमरे वाला फोन और एक खूबसूरत डिवाइस। तो लेट्स टॉक अबाउट ये फोन हमें क्या क्या ऑफर करता है, और इसका एक गिव अवे भी चल रहा है हमारे टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। इस फोन को किसी फोन से कंपैरिजन भी करना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मजीद ऐसी वीडियोज लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जरा अनबॉक्सिंग की बात कर लेते हैं भाई। इसमें वैसे दो कलर आएंगे, विक्ट्री गोल्ड है और एक ब्लैक कलर भी आपको मिलेगा, बट ये वाला है विक्ट्री गोल्ड। 12GB 256GB का वेरिएंट लॉन्च किया जा रहा है रियलमी 13 प्लस को, और 5G को मेंशन किया गया है। तो 5G वाली लेगेसी जैसे कि 12 प्लस में थी वही हमें मिल रही है। फोन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, और इस दफा इंटरेस्टिंगली बॉक्स के ऊपर ही ना ये TUV राइनलैंड सर्टिफिकेशन मिलती है, जो कि आगे चल के हम लोग बात करते हैं। ओपन करते ही एक लिड मिल जाती है, लिड में मिलता है एक सिलिकॉन केस, कुछ मैनुअल गाइड्स और एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। फिर मिलती है डिवाइस, डिवाइस के बाद भाई यहाँ पर एक चार्जिंग ब्रिक मिलती है, और इस दफा आउट ऑफ द बॉक्स 80W का मैक्स चार्जर, आपको फास्ट चार्जर जो है वो देखने को मिलता है। टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल है, बाकी बॉक्स में कुछ नहीं है। तो डिवाइस को लाते हैं सामने, और सीरियसली में भाई ये जो गोल्ड कलर है काफी खूबसूरत है। वैसे राउंडेड कैमरा मॉड्यूल है, लेकिन रियलमी 12 प्लस से अगर कंपेयर करेंगे ना, थोड़ा रिफाइन कर दिया, 3 स्टेप बना दिए हैं, जिसके अंदर हल्की फुल्की ब्रांडिंग मिलती है, जहां पर 50MP OIS कैमरा की ब्रांडिंग मिल रही है, f1.8 का अपर्चर वाला जो है वो मिल रहा है। बट अगर टेबल पे रखोगे तो थोड़ा सा कैमरा बम फील होता है, बट लुक डिसेंट। डुअल पैटर्न मिलता है, नीचे वाली साइड पर वेव है, रियलमी की ब्रांडिंग है, ऊपर जरा टेक्सचर बनाया गया, स्मजेस कैच नहीं करता। ऑल दो बैक साइड जरा प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ है, फ्रेम मैट फिनिशिंग में ये भी एक प्लास्टिक वाला मिलता है। बटन प्लेसमेंट पोर्ट्स की बात करते हैं तो एक साइड पर ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर की है, अपर साइड पर एक स्पीकर ग्रिल है। तो यस, 3.5 का जैक स्टिल अवेलेबल है भाई इस फोन के अंदर, और एक माइक भी मिलता है। बॉटम की साइड पर आपको मिलती है एक सिम ट्रे, जिसमें 2 सिम्स लगा सकते हो, एक माइक है, एक टाइप सी की कनेक्टिविटी है, और एक स्पीकर ग्रिल है। इन एंड फील नॉट हैवी, नॉट एक बिल्कुल लाइट वेट, बट अराउंड कुछ आपको वेट यहाँ पर 186 ग्राम के मिलेगा, और थिकनेस ये फोन 7.6mm के अराउंड लेके आता है। थिन फोन है ये रियलमी 12 प्लस से, थोड़ा प्रीमियम फील कराता है, और रियर थोड़ी सी कर्व बना दी है। और इंटरेस्टिंगली इस दफा आपको IP65 की स्प्लैश एंड डस्ट रेजिस्टेंस इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी, तो नॉट बैड, वेल दिस कलर लुक कूल। बट अगर डिस्प्ले की बात करते हैं, अगेन यहाँ पर आपको एक एमोलेड पैनल 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला मिलता है, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% के, बेजल्स देखोगे कम मिलेंगे, चिन भी कम साइज की मिल जाती है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% एक रीजनेबल है। और एमोलेड पैनल के साथ साथ यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस निट्स 2000 का मिलता है, और वेरी ब्राइटर डिस्प्ले इस दफा, और HDR का जो सपोर्ट है YouTube की वीडियोस में मिलता है, वाइड 1L1 सपोर्ट करता है, HD रेजोल्यूशन पर आप अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कुछ और आउटडोर विजिबिलिटी की, इंडोर विजिबिलिटी की, एडप्टिव रिफ्रेश रेट है 60Hz 120Hz पे चल सकता है, टच सैम्पलिंग रेट थोड़ा सा बेटर कर दिया पहले से, और यहाँ भी TUV राइनलैंड सर्टिफिकेशन मिल जाती है, मतलब ब्लू लाइट फिल्टर वगैरह आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है, और इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर ये फोन लेके आता है। बट भाई हार्डवेयर को लेके इस दफा ज़्यादा सीरियस ही नजर आ रहा है भाई रियलमी, क्योंकि लास्ट जो जनरेशन थी उसके अंदर भी 5G हार्डवेयर था, डायमेंसिटी 7050 वाला, अब उससे एक अपग्रेडेड वर्जन डायमेंसिटी 7300 एनर्जी, जो कि 4nm टेक्नोलॉजी पर 2.5GHz की क्लॉक स्पीड ऑफर करता है। और यहाँ GPU जो लगाया गया है ये माली G615 वाला MC2 वाला GPU मिलता है, LPDDR4X है, अगेन UFS 3.1 का स्टोरेज, 12GB 256GB का वेरिएंट आ रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 विद रियलमी UI, और 2 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी ये फोन ऑफर करता है। हाँ, जब एक्टिवेट करते हो थोड़ा सा आपने देख लेना है, यहाँ पर आपको ब्लॉटफेस मिलते हैं, उसको आप प्ले स्टोर पर जाकर अनइंस्टॉल कर सकते हो, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होती हैं बट आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस 12GB को आप 14GB जो है ना वो एक्सटेंड भी कर सकते हो, और आराम से 25 से 30 एप्लीकेशन इन रैम मेमोरी में आपको देखने को मिलेंगे। बट भाई इस दफा GT मोड और डेडिकेटेड TUV सर्टिफिकेशन फॉर अ लैग फ्री गेमिंग के लिए ऑफर की गई है, और यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग 9 लेयर वाली टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जिसको 6050mm2 वाला कुछ है यहाँ पर इंटीग्रेशन किया गया है, GT मोड दिया गया है, 90fps PUBG पर ये सपोर्ट करता है। जो इनिशियल इंप्रेशन हम कर रहे हैं, ये अनबॉक्सिंग जो है ना ये कोलैबोरेशन में रियलमी के साथ बन रही है, ऑल्दो हम लोग जो है ना अपना एक्सपीरियंस जरूर आपसे शेयर करेंगे, बट भाई ये फोन टेम्परेचर गेन नहीं करता हुआ नजर आया। उसके साथ साथ ही हमने 90fps में थोड़ी देर गेम प्ले किया, कुछ 2-1 घंटे किया है,
बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है, टच सैम्पलिंग रेट के हिसाब से भी देखा जाए, फायर कनेक्टिविटी भी देखा जाए, तो डेफिनेटली लैग फ्री गेमिंग अभी तक तो हम इंजॉय कर रहे हैं। वैसे डिटेल में कोई कंपैरिजन करेंगे या अगर हम रिव्यू करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छी का जो है ना वो हम डिटेल कवर कर सकते हैं। बाय द वे गेमिंग के लिए दिस इज़ द ओनली फोन राइट नाउ विच इज़ अवेलेबल इन मार्केट, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जो कि आपको 85-90 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर 90 FPS ऑफर करेगा। बट भी कैमरा पार्ट में बात करते हैं तो इस दफा अल्ट्रा वाइड सेंसर को बाय बाय टाटा बोल दिया है, क्योंकि 12 प्लस में वो चीज़ मिल रही होती थी 8 मेगापिक्सल की। बट इस फोन के अंदर रियर साइड पर लाइट 600 का सोनी का ही सेंसर है 50 मेगापिक्सल का विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और एक सेंसर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। 4K 30 FPS का की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और स्टेबलाइजेशन इनिशियल इंप्रेशन में 12 प्लस से थोड़ी बेटर है। स्किन टोन वही रियलमी का कलर साइंस मिलता है। पोर्ट्रेट्स में 2x सपोर्ट करता है, मतलब दो फोकल लेंस आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से डिजिटल जूम भी आपको 10x तक मिल जाता है, 20x तक मिल जाता है राउंड अबाउट अगर आप पिक्चर्स कैप्चर करते हो। हमने इसका डायनामिक रेंज HDR देखा है, उसको हमने एक्सपीरियंस किया है। बाय द वे वो हम एक कंपैरिजन तैयार कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। इनिशियल इंप्रेशन में डिसेंट फोटोज कैप्चर कर सकता है। इंडोर लाइट की जो विजिबिलिटी वो अच्छी है। स्ट्रीट मोड मिल जाता है जहाँ पर आपको दो फोकल लेंस डिफरेंट मिल जाएंगी। फ्रंट पर ये 16 मेगापिक्सल का कैमरा लेके आता है जहाँ पर 1080p 30 FPS की वीडियो आपको देखने को मिलती है। बट इंटरेस्टिंगली फ्रंट और बैक से अगेन बुके वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। फ्रंट में 1080p रेजोल्यूशन, बैक पे 720p 30 फ्रेम पर सेकंड पर ये बुके वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। वो जो सिनेमेटिक वीडियो होती है वो भी मिल जाती है। फ्रंट पोर्ट्रेट्स भी डिसेंट है, जो रियलमी का कलर साइंस होता है वो हमें देखने को मिल रहा है। फॉर अ मल्टीमीडिया इस दफा डुअल स्पीकर प्रॉपर आपको विजिबिलिटी मतलब पूरा प्रॉपर फील वाले मिलते हैं। 45% ऊपर वाला काम करता है, नीचे वाला जो है ये आपको 55% के अराउंड काम करता हुआ मिलेगा। विजुअल एक्सपीरियंस अच्छा है, इवन डिस्प्ले में आपको मैंने बताया ना वाइड 1L1 है, आप अच्छा एक्सपीरियंस जो है कर सकते हो। उसके साथ साथ कुछ बैंड्स की बात करते हैं तो 11-12 5G बैंड मिल जाते हैं, वाईफाई 6 की सपोर्ट मिलती है और 360 एंटेना भी 5G बैंड्स के साथ मिल जाता है। मतलब जो रिसेप्शन है बेसमेंट वगैरह में यूज़ करते हो, किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ पर सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो 360 एंटेना उसमें आपको सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करता हुआ मिले। ब्लूटूथ 5.4 की सपोर्ट रखी गई है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आता है जो कि इन डिस्प्ले है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर ओके काम करता हुआ नजर आया। 4G प्लस को ये सपोर्ट करता है। 4G VoLTE भी आपको देखने को इस फोन के अंदर मिल जाएगा। फेस अनलॉकिंग इज वर्किंग वेरी गुड। और भाई इस दफा कुछ आपको AI फीचर भी मिलते हैं, जिसमें AI लूप आपको मिल जाएगा, AI स्मार्ट लूप है, AI क्लियर वॉइस है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक ब्लूटूथ कॉलिंग वाला ऑप्शन मिलता है। लाइक अगर आपके पास रियलमी का ही दूसरा फोन है जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट करता है 50 मीटर के अराउंड 40 मीटर के अराउंड रेडियस एरिया में, ज्यादा वॉकी टॉकी भी आप इस फोन को यूज कर सकोगे। वाईफाई कॉलिंग तक की सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगी। 5000 mAh की बैटरी विद 80W फास्ट चार्जिंग लास्ट एक्सपीरियंस किया था 12 प्लस, उसमें हमें 67 या 60W की फास्ट चार्जिंग मिल रही थी। डेफिनेटली यहाँ पर फास्ट चार्जिंग को भी अपग्रेड किया गया है, चार्ज करते हुए अराउंड 30-35 मिनट में फुली चार्ज हो जाता है। और बैटरी टाइमिंग स्क्रीन ऑन टाइम जो हमने अभी देखा है SOT जो हमारे पास इसने एक्सपीरियंस हमें कराया है 7-8 घंटे, तो 50% की ब्राइटनेस पर विद 4G हमें देखने को मिली है। दैट्स इट, दिस इज रियलमी 13 प्लस। इफ यू वांट टू कंपेयर दिस फोन विद अनदर फोन डू लेट अस इन कमेंट सेक्शन। रियलमी 12 प्लस से भी करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बस आज की वीडियो में इतना ही है, मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग किसी नए रिव्यू किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं लिबास मासेक से, पाकिस्तान पैंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।